वेलकम टू साई क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वावल स्टेनोग्राफी के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आज उसे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि लेसन नंबर 8 आपकी बुक का है, जो कि हमारा इंटरवीनिंग एंड वावल के बारे में शेयर कर रहा हूँ, और कल से आपके लेसन नंबर 11 शुरू हो जाएगा। तो इंटरवीनिंग ऑफ वावल का मीनिंग क्या है? जब हम जैसे कोई भी वर्ड करते हैं, फर्स्ट प्लेस का जो वावल होता है, इंटरवीनिंग ऑफ वावल देखिएगा, हमारे तीन प्रकार के मैंने बताया था आपको, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। ओके, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस का जो वावल है, जैसे मैंने लिखा आपका टॉक, TALK, टॉक, दिस इज द फर्स्ट वावल। ओके, दिस इज द फर्स्ट वावल। अब हमारा टेक, दिस इज द सेकंड वावल, टेक। अब हमने बनाना है इसका टुक, दिस इज द थर्ड वावल लगेगा यहां पे। अब इंटरवीनिंग का मतलब ये है कि अगर वैसे अगर थाली अगर टू आता तो हम लोग इसको थर्ड प्लेस वावल यहां पे लगाते। फर्स्ट प्लेस वावल और सेकंड प्लेस वावल फिक्स हैं, वो अपने स्थान पर ही लगेंगे। अब अगर इसमें इंटरवीनिंग का मतलब, जैसे टुक मैंने लिखा है, टुक, टुक के लिए आप क्या करेंगे, ये जो थर्ड प्लेस वावल है यहाँ पर इसका प्लेस नहीं मिलता है, इसको जो सेकंड प्लेस का जो वर्ड है उसके लेफ्ट एंड के लेफ्ट के थर्ड प्लेस पर इसके वावल को शेयर करेंगे। जैसे हमने बनाया शुक, शुक बनाया, दिस वन शुक, SHOOK, शुक। शुक के लिए भी हम जो है ना, इसका वावल किसका है, शू का, और के हमारा लेफ्ट है, परंतु अगर हमारा जो है सेकंड वाला वर्ड है के, इसके लेफ्ट के थर्ड प्लेस पर इसके वावल को शेयर करेंगे। इंटरवीनिंग का मतलब होता है जैसे फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का वावल फिक्स होता है, और तीसरा वावल जो हमारा इसके लेफ्ट के थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। सपोज अगर हम एम बनाते हैं, दिस वन, फर्स्ट प्लेस इज ओके, सेकंड प्लेस इज ओके, पर थर्ड प्लेस वावल है 1, 2 और 3, लेफ्ट हैंड के थर्ड प्लेस पर लगाते हैं। दोस्तों, इसका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है, अप टू लास्ट तक हम इनको, जैसे कोई भी है, कोई भी हम शेयर बनाते हैं, जैसे शेयर, इश और आर, शेयर, SHARE, शेयर मैंने बनाया, शेयर तो ऑटोमेटिकली एक ही मात्रा है, बट शेयर, SHEER, आपने साउंड देखना है, क्योंकि मात्रा किसकी है, इसकी मात्रा है शेयर, SHEER, ई की मात्रा, ई और उ, और मान लिया आपका जो है ना, जैसे पुअर है, मान लिया मैंने पुअर लिखा, PWR, पुअर। पुअर के लिए दोस्तों क्या करेंगे, क्या ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए इसके लेफ्ट के सेकंड वाला जो वर्ड है उसके लेफ्ट के थर्ड प्लेस पर वावल हमारा किसका है, ऊ की मात्रा है, दिस वन। जैसे कोई भी वर्ड है, शुक है, जैसे शुक बनाना है आपने, शुक मैंने बना दिया है, तो पॉल है, जैसे पॉल मैंने ये बनाया है, PAUL, पॉल। और अगर पॉली बनाना है तो दिस वन पॉली, पा की मात्रा, ई की मात्रा, पॉली, POLLY, पॉली। ओके, और भी सारे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप बना सकते हो, जैसे मान लिया किसी भी वर्ड को आप बनाना चाहेंगे, मान लिया कोल, दिस वन कोल, COAL, कूली, देखो कू और ली की मात्रा, COLLI, कूली, मान लिया कूली ये बनाया है आपने, तो ई की मात्रा कहाँ आ गई, उसकी ई की मात्रा तो एल पे लग गई, परंतु उसकी, इन दोनों की मात्रा ऊ की लेफ्ट के थर्ड प्लेस पे। बॉडी, जैसे बॉडी, बा बनाया, ई की मात्रा ये, BODY। तो दोस्तों, इसको हम इंटरवेंशन कहते हैं, अर्थात हमारे जितने भी वर्ड हैं
आप इनको बनाएंगे। लेसन नंबर 8 को आप करिएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कल से आपके लेसन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यानपूर्वक करिएगा। फर्स्ट प्लेस इज ओके, फर्स्ट जो वावल है आपका फर्स्ट प्लेस पर फिक्स है, सेकंड प्लेस वावल ए का भी इस पर फिक्स है, आओ और ओ। अब रहा ई और ऊ, ई और ऊ की जो मात्रा है ई या डबल ई, साउंड है ये ऊ या डबल ओ की जो साउंड है कहाँ लगेगी, डबल ई या डबल ओ की जो मात्रा है कहाँ आप शेयर करेंगे, ओ नहीं द ऊ की मात्रा, ये ऊ और ऊ दिस वन। इनके लिए हम जैसे अगर दो वर्ड आते हैं, जैसे दो वर्ड आते हैं तो उनके उनके जो है ना पहले वाले वर्ड की ई और ऊ की मात्रा सेकंड वाले के वर्ड के लेफ्ट के थर्ड प्लेस पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिएगा, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा। तो कल हम लोग जो है आपके लेसन शुरू करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।